समोसे से, चाट से, किसी चीज़ से भी आप ये चटनी खा सकते हो। और ये बहुत ही मैंने सिंपल बनाया है कि हर इंसान के घर में हर चीज़ नहीं होता, अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ये मैंने एकदम सिंपल बनाया है कि कोई भी बना सके आसानी से। आप समोसे से, कचौरी से, किसी चीज़ से भी, चाट में भी यूज़ होता है तो उसमें भी आप बना के इसे आप 10-15 दिन के लिए आराम से इसे यूज़ कर सकते हो। तो ये मेरा बन के तैयार है। तो अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा। वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ इमली की खट्टी मीठी चटनी। तो हमें इमली की चटनी बनाने के लिए क्या चाहिए, तो मैंने यहाँ पे इमली लिया हुआ है, मैंने ज़्यादा नहीं बना रही, थोड़ा बना रही, और 4 खजूर लिया है। तो इसमें मैं गर्म पानी डालूँगी जो कि अच्छे से भीग जाए आधा कप के बराबर। और इसमें खजूर में भी मैं ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं एक मिक्सी जार लूँगी और इसे मैं ऐड कर दूँगी और खजूर को भी डाल दूँगी और इसे हम पीस लेते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है, पीस चुका है। तो अब इसे एक छन्नी में हम छान लेते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने छान लिया और ठीक था। तो एक कप कितना मैंने पानी डाला और इसे हम रख देते हैं साइड में। और इसका जितना भी ये था डिस्कार्ड करते हुए मैं निकाल लिया। तो चलिए चटनी तैयार बनाते हैं इमली की खट्टी मीठी। तो मैंने एक पैन लिया हुआ है और जो मैंने ये बनाया था पेस्ट वो इसे इसमें ऐड कर देते हैं। ऐसे थोड़ा सा पकने देते हैं और इसे स्टेज पे मैं शक्कर डाल रही हूँ, आप चाहे तो गुड़ डाल सकते हो। आधा कटोरी मैं इसमें शक्कर ऐड कर रही हूँ। ऐसे हम थोड़ा सा चला लेते हैं। यहाँ मैंने लो टू मीडियम रखा है, आप देख सकते हो, आप चाहे तो गुड़ डाल सकते हो, मैं शक्कर में ही बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ मसा भुना हुआ ज़ीरा 1 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च लिया कलर के लिए, और 1/2 चम्मच काला नमक और नॉर्मल नमक ये ऐड कर देंगे। इससे कलर भी बहुत अच्छा आता है और खट्टी मीठी हमारी इमली की चटनी बनके तैयार होती है और झटपट बन जाती है। तो हम इसे पका लेते हैं। आप चाहें तो इसमें स्पोर्ट का पाउडर भी ऐड कर सकते हो, मैंने नहीं किया है, मैंने एकदम सिंपल नॉर्मल चटनी बनाई, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इस तरीके से आप बनाइएगा। तो आप देख सकते हो शाइनिंग भी आ गई चटनी में, खुशबू भी सुंदी सुंदी आ रही, बहुत अच्छी। तो ये जो चटनी है ना, हर चाट के साथ में यूज कर सकते हो अच्छे से। तो थोड़ा और ठीक रखना है। तो आप देख सकते हो चटनी बनके, इमली की खट्टी मीठी चटनी बनके तैयार है। तो यहाँ पे मैं गैस बंद करूँगी। तो यहाँ पे मैं सर्व कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो, ये आप चाहें तो समोसे से, चाट से, किसी चीज़ से भी आप ये चटनी खा सकते हो। और ये बहुत ही मैंने सिंपल बनाया है कि हर इंसान के घर में हर चीज़ नहीं होता, अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ये मैंने एकदम सिंपल बनाया है कि कोई भी बना सके आसानी से। आप समोसे से, कचौरी से, किसी चीज़ से भी, चाट में भी यूज़ होता है तो उसमें भी आप बना के इसे आप 10-15 दिन के लिए आराम से इसे यूज़ कर सकते हो। तो ये मेरा बनके तैयार है। तो अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। और आप भी बनाइए और ट्राई करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।